हेलो गाइस, आज का अपना टॉपिक हैगा आ MS DOS दियां कमांड्स का सैकेंड पार्ट, क्योंकि फर्स्ट पार्ट आप कर चुके हैं जिसे आप सारिया बेसिक कमांड्स बारे देखा सगा। जिन्होंने वो वीडियो नहीं देखी वो जरूर देख लेना, डिस्क्रिप्शन बॉक्स के आई बटन में लिंक दे देंगे। सो 5 कमांड्स आप अज पढ़ा, पिंग, IP कन्फिग, टाइप एंड टास्क लिस्ट एंड कलर कमांड। इन्हों देखा कि इस तरह यूज़ किए जाते हैं तो इन्हों का की परपज़ हों। सो सब तो पहले आप अपनी कमांड प्रॉम्प्ट ओपन करनी है, स्टार्ट बटन पर क्लिक करके सर्च बॉक्स के लिखा CMD, उस तो बाद एंटर कर देंगे, दैन कमांड प्रॉम्प्ट ओपन हो जाएगी। देखो कमांड प्रॉम्प्ट के उपर टाइटल बार के उत्ते आप राइट क्लिक करके जड़िया सैटिंग्स कर सकते हैं। देखो माउस तो यह सारिया सैटिंग्स आप अगर करनी हो भी आप इतों कर सकते हैं। देखो प्रॉपर्टीज़ के जाके फस्ट ऑप्शन हैगी ऑप्शन, ये हैगी सॉलिड, मीडियम, लार्ज, मतलब जिस तरह का भी थानू कर्सर साइज वगैरह चाहिए वो तुसी इतों चेंजेस कर सकते हैं। इसी तरह फॉन्ट का साइज भी तुसी चेंज कर सकते हो। देखो पिछला फॉन्ट साइज जिहड़ा आ पिछली विंडो का फॉन्ट साइज जिवें थानू दिखावां, देखो बहुत ही छोटा आ जिहड़ा कि ज़्यादा विजिबल नहीं हुंदा। सो अगर मैं इतों वड्डा करना होवे दैन मैं उन्हूं वड्डा कर सकती। सो मैं आ जिहड़ा लास्ट वाला 12x16 आ वो वाला साइज मैं ले लिया आ। सो इसी तरह आप नैक्सट जिहड़ा लेआउट भी सैट कर सकते हैं, मतलब विडथ, हाइट वगैरह यदि चेंज करनी होवे दैन वो भी आप इतों कर सकते हैं। सो इसी तरह अगर आप कलर वगैरह चेंज करना होवे दैन वो कलर वगैरह इतों टैक्सट कलर या फिर बैकग्राउंड कलर या फिर फ्रंट कलर या फॉन्ट कलर इतों आप जिहड़े आ वो चेंजेस कर सकते हैं, कलर वगैरह की सैटिंग कर सकते हैं। अगर तो ही आप माउस तो सैटिंग करनी आ, अगर आप कमांड के थ्रू आप कलर लेना चाहते दैन वो एक कमांड भी होंगी जो कि अज आप देखांगे। सो इनू मैं ओके कर दी। देखो मेरे फॉन्ट थोड़े बड़े हो गए क्योंकि मैं फॉन्ट ही चेंज किए, होर कुछ भी चेंजेस नहीं कीतियां सी। सो उस तो सब तो पहला अपनी कमांड होगी पिंग। पिंग कमांड यूज़ की जाती है जो आप चैक करना हो कि अपना इंटरनेट सही चलता है या नहीं चलता है। सो पिंग कमांड उदो यूज़ करते हैं। सो मैं पिंग लिख के स्पेस पानी हाँ, स्पेस पा के तुसी किसी भी वैबसाइट का नाम दे देना है, कोई भी वैबसाइट का नाम तुसी दे सकते हो। मैं इतने स्पोज देता www.punjabinfotech.gov.in। सो मैं इतने जिहड़ा आ ये वैबसाइट का नाम दे देना, कोई भी वैबसाइट का नाम दे देना है तुसी, उस तो बाद एंटर कर देना है। हुण देखो आ जिहड़ियां ऑप्शनस आईयां इन्हां तो पता लग रहा है कि मेरा इंटरनेट बिल्कुल सही चल रहा। अगर तुहानू ये ऑप्शनस नहीं आउंदियां दैन ही तुहाडा इंटरनेट सही नहीं चलता होगा। ये सारी स्पीड वगैरह दिती हुई है कि तुहाडा इंटरनेट किन्ना फास्ट चल रहा है, मीडियम लेंथ किन्नी आ, उहदी मैक्सीमम किन्नी आ, एवरेज किन्ना आ, सारा इहदे विच दस्सिया गया आ। तो ये कुछ भी लॉस्ट हजे तक नहीं होया। सो इंटरनेट सही चल रहा है। इस तो जिहड़ा आ आपां पिंग कमांड दे नाल आपां इंटरनेट चैक कर सकते हैं। इतने मैं CLS कमांड यूज़ की स्क्रीन नू क्लीयर करन दे लई जो कि आपां लास्ट पढ़ी सी। सो हुण अपनी सैकेंड कमांड हैगी IP कनफिग। देखो ये आपां अगर अपना IP एड्रैस फाइंड आउट करना हुंदा आ दैन आपां इह कमांड जिहड़ी यूज़ करदे आ। सो IP कनफिग लिख के उस तो बाद एंटर कर देना सिंपली। उस तो बाद जिहड़ा देखो जिथे मैं टिक कीता होया, देखो ये अपने हैगे आ IP एड्रैस अपने कंप्यूटर दे। सो इस तरह जिहड़ा आपां अपने कंप्यूटर दा IP एड्रैस फाइंड आउट कर सकते हैं। सो इसे तरह मैं लास्ट फिर दोबारा CLS कमांड यूज़ करके इसनों क्लीयर कर देनी है स्क्रीन नू, ताकि स्क्रीन जिहड़ी आपां नू साफ साफ दिसे। सो मैं CLS कमांड द्वारा यूज़ की और क्लीयर हो गई स्क्रीन। उस तो बाद CD कमांड जिहड़ी आपां चेंज करन दे लई यूज़ करदे सी लास्ट आपां पढ़िया सी, जिन्हां ने वो वीडियो नहीं देखी जरूर देख लेना। सो मैं डिस्कटॉप ते जाणा आ, सो इसलिए मैं डिस्कटॉप दे उत्ते आ गई हाँ CD कमांड लगा के। सो इत्थे मैं टाइप जिहड़ी कमांड आ यूज़ करनी आ। हुण देखो अपने को इधर जिहड़ा डॉक्यूमेंट हैगा टैक्स स्टडी डिस्कटॉप ते पिया आ, हुण इसनू मैं ओपन करना आ, दैन मैं टाइप कमांड दी हैल्प नाल ओपन करके देख सकदी इहदे विच की लिखिया। देखो इत्थे लिख के आ गई लाइन दिस इज़ लॉकडाउन टैक्स स्टडी चैनल। हुण आपां इस फोल्डर नू भी ओपन करके देख लैंदे आ। देखो इस फाइल नू ओपन किया तो ये भी सेम यही लाइन लिखिया। अगर आप देखना चाहते हैं कि लिखिया दैन यही कमांड यूज़ करते हैं। नैक्सट कमांड हैगी अपनी टास्क लिस्ट। देखो टास्क लिस्ट लिख के एंटर कर देना। इस कमांड का काम हुंदा है कि अपनी कंप्यूटर में किहड़े जिहड़े आ रन हो रही है एप्लीकेशन या सॉफ्टवेयर, उन्होंने बारे ये दस दिंदा है कि किहड़े जिहड़े अपने सॉफ्टवेयर वगैरह है वो रन हो रहे हैं, मतलब चल रहे हैं इस टाइम। सो उन्हां सारियां दे बारे ये जिहड़ी इनफॉर्मेशन आपां नूं दे दिंदा जदों आपां टास्क लिस्ट लिख के एंटर करदे हां। सो इस तरह अपन नैक्सट कमांड हैगी कलर। देखो हुण इत्थे मैं कलर लिख दी हां, कलर लिखन तो बाद तुसी कोई भी कलर लिख देना है,
जिदा कि मैं इतने कलर लिखा उस तो बाद ब्लू लिख देना। अगर तुम अपने टैक्सट का कलर चेंज करना दैन वो इतना कर सकते। देखो इतने सारे कलरस के कोड आ गए हूँ, तुम इन्ह कोड्स न यूज़ करके अपने टैक्सट का कलर जोड़ा है वो चेंज कर सकते हो। देखो इतने 0 for black, 1 for blue, 2 for green, 3 for aqua, है ना, इस तरह जोड़े ये कलरस आ तुम यूज़ कर सकते हो। देखो हूँ मैं इतने अगर कलर लिख दी हाँ, उस तो बाद कलर का कोड लिख दी हाँ। सपोज मैं इतने कलर कोड लिख दी हाँ 6, और 6 का कलर की है इतने येलो। सो मैं अगर 6 लिख दी हाँ, देखो टैक्सट का कलर आटोमैटिकली जोड़ा येलो हो जाएगा। उस तो बाद मैं एंटर कर देना, 6 लिखन तो बाद एंटर किया, देखो येलो हो गया कलर सारा, सारे टैक्सट का कलर जोड़ा है वो येलो हो चुका है। हूँ इसी तरह अगर मैं होर कोई कलर करना चाहती हाँ, सपोज मैं ग्रीन कलर करना है, दैन ग्रीन का जोड़ा कोड आ वो आप चैक कर लेना उस कि ग्रीन का जोड़ा कलर कोड की आ। सो इसी तरह मैं इतने लिखूँगी कलर, उस तो बाद लिखूँगी मैं इतों चैक कर लेनी है कि आ ग्रीन का 2 आ। सो इस तरह मैं इतने 2 लिख दूँगी, उस तो बाद एंटर कर दूंगी। देखो ग्रीन कलर हो चुका है। इस तरह तुसी टेक्स्ट का कलर जिहड़ा आ चेंज कर सकते हो। तो बहुत ही थानू इंट्रस्टिंग लगेगा, प्रैक्टिकल जरूर करके देखना, बहुत ही इंपॉर्टेंट आ। सो इस तरह आप माउस दी सैटिंग्स भी इतों कर सकते हैं। सो इस तरह आप क्वांट्स के थ्रू भी सैटिंग्स जिहड़ियां आ वो कर सकते हैं। सो ये सी अज की वीडियो, मिलते हैं अगली वीडियो में। चैनल सबसक्राइब एंड शेयर जरूर करना, बैल बटन के आइकन पर जरूर क्लिक करना। थैंक यू।